सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमेशा की तरह मैं हूँ एंशियंट मर्ड हाउस में, और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जिनसे आप कल मिल चुके हैं, और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। और पापा बैठे हैं, मम्मी, जीजू और भैया। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट हो रहा है? बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया जी। अच्छा, हाँ, वैसे ब्रेकफास्ट में क्योंकि क्या है बताएंगे आप? ब्रेकफास्ट में जी परांठा जी, आलू का परांठा, ओके, आलू अनियन और एकदम से जी हमारा फेवरेट परांठा मिल गया जी। यहाँ पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, हाँ जी, उससे भी आगे मिला जी। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल कूलर देखो आप, कूलर वाली चाय और अच्छा अमूल का बटर मेरा बहुत फेवरेट है। अमूल का अच्छा बटर भी मिल गया ये यहाँ चार हो पे। गया भाई, घर वाला, और ये घर वाला। देखो जी होममेड पिकल, हाँ, ये हमारा एक और एनजीओ है एक्चुअली ना, तो ओके वहाँ जी का है ये ये वाला अचार, लिंगड़ी का अचार, और ये यहाँ की जो फेमस जो होती है सब्जी, लिंगड़ी सब्जी, लिंगड़ी। लिंगड़ी की सब्जी, उसका अचार है। मैंने फर्स्ट टाइम सब्जी तो खाई है, बट अचार भी बहुत टेस्टी है इसका, अच्छा, बहुत ही टेस्टी अचार है। और ये जो चटनी है, जो मेन सिग्नेचर चटनी जो बोलते हैं, ये देखो ये बिल्कुल ही इसके अंदर गार्लिक अनियन टोमेटो मिंट, और आप बिच्छू एक बता रहे बूटी, थे, क्या बता रहे थे, बिच्छू, बिच्छू बिच्छू बूटी, बूटी, बिच्छू बूटी। गया के और लोकल। इसके अंदर ना एक दो और इंग्रेडिएंट्स है जो मतलब दीदी ने बनाई है, बड़ी ही टेस्टी। और रात को इसको थोड़ा ना बिल्कुल गाढ़ापन था इसमें हाँ, भैया ने बोला थोड़ा सा रात। पानी डाल दो दीदी। हाँ, रात हमने मन्ने खाए थे, जो यहाँ का मतलब बहुत ही मतलब स्वागत करा जाता है, जो गेस्ट स्पेशल का डिश रहा भाई। स्पेशल डिश है यहाँ की। तो हमने मन्ने, जैसे रुमाली रोटी होती है ना, ऐसे ही मन्ने बनते हैं, हाँ जी, तो उसके साथ हमने ना चटनी के साथ ट्राई करा हमको, और घी डाल के, गाय का उसमें घी की स्टफ करके, मैं रात कम से कम 4-5 मन्ने खा गया। स्टार्टिंग में तो सोच रहा था कि यार एक ही खाया जाएगा, जैसे ही खाना स्टार्ट किया ना, मैं तो बस फिर गिनती भूल गया। अच्छा जी, हाँ, वैसे आइडिया अभी 5-7 तो खाए गया हूँ। हाँ, तो बहुत ही टेस्टी अमेजिंग यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे देखो एंशियंट मड हाउस है, और ये देखो दीदी सुषमा दीदी है जो इसको पूरा रन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे अमरीश पुरी जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये काफी एंग्री यंग मैन है, और वैसे दिल से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और बहुत ही प्यार यहाँ पे मिला, बहुत ही आशीर्वाद, माता जी भी इतने अच्छे हैं, और वो देखो दीदी जी ने भी बड़े मतलब बड़ी ही सेवा यहाँ पे। और जो यहाँ पे आता है जी, मतलब घर जैसा फील करता है, उसको लगता ही नहीं है कि मैं कोई 400-500 किलोमीटर आके यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। हाँ ऐसा जी, लगता है सारे अपने अपनों की गोद में आके बैठ गया। हाँ जी, और हम यहाँ पे जो हमारा नाइट स्टे रहा जी, वो इसमें मतलब जो ये लगा रखे है ना, टेंट टेंट जो दीपा है, टेंट है, इसमें रहा। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जी यहाँ पे। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि ठंड लगेगी, बट हमने जी बिल्कुल यहाँ से पूरा पैकअप होके, अंदर पूरा अरेंजमेंट था जी, जो मतलब कंबल है, ब्लैंकेट वगैरह सारा अरेंजमेंट था, तो बिल्कुल ही एकदम से अच्छी नींद आई। 10:30-11 बजे सोए थे, और 8:30 बजे आए, मतलब उठे तो पप्पा जी ने भी डांट लगाई कि भाई इतना लंबा कौन सोता है। तो बच्चों को मतलब हमें इतना प्यार मिला कि यहाँ पे भी डांटने वाला हमको मिला कोई, हमें मतलब इतना दिल से भावनाएं हमें आ गई है। और इधर देखो पप्पा के पूरे खेत, पप्पा ने यहाँ पे ना 100-150 चक्कर लगा देते हैं दिन में, का भगवान इनकी एनर्जी को ऐसे ही मेंटेन रखे। और यहाँ पे ब्रोकली, कैबेज, और बहुत लेट्यूज, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे ना वैरायटीज है सब्जियों की, जो टॉप वैरायटीज है। हाँ जी, और यहाँ पे ना जैसे मतलब ब्रोकली की अच्छी जो वैरायटी होती है, यहाँ की ब्रोकली ही लगभग ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत से पार्ट्स के अंदर यहाँ का मतलब सारा सर्व होता है। तो थैंक यू जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू बड़ा भैया आपका ब्रेकफास्ट से भी। जी हमारे दिन की शुरुआत बढ़िया हुई, और हमारे पप्पा जी का और माता जी का आशीर्वाद के साथ, और थोड़ी थोड़ी बच्चों को डांट के साथ, और आज हमारा दिन बन गया जी। हैव ए नाइस डे। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि सुषमा दीदी के ये मड हाउस है जो थंग थंग में, आप ये देखिए एंशिएंट मड हाउस है, और आप रोड से बिल्कुल कनेक्टिविटी पे 1 किलोमीटर जस्ट आपको चलना है, और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी ऊपर आगे रुकेगी, जस्ट आपको 10 मीटर भी नहीं चलना है यहाँ से, और वहीं पे आपको बिल्कुल सारा पिकअप ड्रॉप का, यहाँ कोई आप बाई बस भी आ सकते हो, बाई अपने व्हीकल से भी आ सकते हो, बाई बाइक भी आ सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का आपको सारी कनेक्टिविटी, रोड एकदम साफ सुथरे हैं, वेदर, आप गर्मी में मर रहे हो हरियाणा वालों, पंजाब वालों, आ जाओ आप यहाँ देखो नज़ारा, माइनस में टेम्परेचर है, ये देखो
आप वहाँ पे पिंगल जाओगे, जिंदगी बचा लो, दो चार महीने आओ और यहाँ मड हाउस में स्टे करो एक दो महीना, और अपने रिलेटिव को भी बोलो, और मैं इसलिए आपकी जिंदगी की फिक्र कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और ज़्यादा टाइम तो देखो जी, बातें तो खत्म नहीं होती, बाकी हम जी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे एक दो महीना और हैं, खूब एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और इसके बाद क्या पता जी लेह लद्दाख का भी प्लान बन जाए। और जी ये कुलदीप भाई हैं जी, इनकी बदौलत जी हम भी यहाँ मतलब पप्पा से, मम्मी से, दीदी से, सबसे मिल पाए हैं जी। मैं इनका काफी मतलब तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से यही रिक्वेस्ट है जी, भाई यहाँ पे आओ, अच्छे मौसम का लुत्फ उठाओ, यहाँ पे घर जैसा फील करो, किसी चीज़ की बिल्कुल 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिल खोल के आओ यहाँ पे। एड्रेस आपको सारा गूगल पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे शिशु में आके किसी से पूछ सकते, तो मडा हो जाना जी। और बच्चा बच्चा जानता है यहाँ के बारे में, यहाँ का जो क्लाइंट है, मौसम है 12 महीने बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है जी। और ये अपने रेनू जी हैं, ये अपना परिवार ही है यहाँ पे, एकदम दिल खोल के सेवा करते हैं। हाँ जी, थैंक यू। घर जैसा फील है, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, तो आप जब मर्जी आओ, आपका तहे दिल से यहाँ पे वेलकम होता है, और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यहाँ की जो लोकल डिश आप बिल्कुल दिल खोल के आनंद ले सकते हो, नीचे खा खा के गेहूँ की रोटी सारे बोर हो गए, तो यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा आपको। हाँ जी, तहे दिल से यहाँ पे सेवा होती है, दिल खोल के आओ। और मेहमान नवाजी का पता करना है ना, तो क्या होती है वो यहाँ पे पता चलेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आप किसी होटल्स में स्टे करते हैं, वहाँ के मैनेजर आपसे क्या डील करते हैं, आपको चाबी पकड़ा देंगे। ये जो गूगल, ये जो है जी अपना सारा, इस पे एड्रेस आपको मिला हुआ है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आपको नई नई वीडियो मिलेंगी, तो नोटिफिकेशन तभी आपको रिसीव होंगे। बहुत धन्यवाद जी, और आपका जो मतलब, मैं भी अपने YouTube चैनल पे चौधरी अमित सिंधु पे सुषमा दीदी का कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा, आप भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बुक करवा सकते हो, और अपना 50% अमाउंट आपको पहले पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा अरेंजमेंट हमें पहले करके रखना पड़ता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। दीदी।